किचन, आज हम लोग नई रेसिपी बना रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को 4 महीना हो चुका था ये बिरयानी बना के, चिकन तंदूरी बिरयानी, तो हम लोग ने आज फिर बनाए। तो आप देखो ये किस तरीके से बनता है, तो प्लीज कमेंट करना, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चिकन तंदूरी बिरयानी बनाने वाले हैं। ये सब उसका मसाला है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, ये कश्मीरी पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और ये धनिया का पाउडर है, ये सब 1 चम्मच है। तो सॉल्ट आप अपने हिसाब से लीजिए। ये 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 स्पून लेमन जूस है और एक मैदा है इसको कोट करने के लिए इसके ऊपर, चिकन के ऊपर। 1 किलो 250 ग्राम, 1.25 किलो चिकन है और ये मिंट लीव्स है, ये धनिया लीव्स है और ये ग्रीन चिल्ली है, और आप अपने हिसाब से ग्रीन चिल्ली यूज़ कर सकते हो। और ये दही है 1 कप और ये फूड कलर है उसमें ऐड करने के लिए बिरयानी पे। आज मैं चिकन तंदूरी बिरयानी बनाने वाली हूँ, आप लोग देखो मैं इसका मसाला बताती हूँ। ये चिकन है 1.25 किलो, ये नींबू का रस डाल रही हूँ, ये है 2 चम्मच अदरक लहसुन, 2 चम्मच ये देखो ये पूरा मसाला 1-1 चम्मच है, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्ची, नमक आपके हिसाब से लेना। ये देखो ये सब मैं मसाला डाल रही हूँ, ये पूरा 1-1 चम्मच है। ये देखो दही है 1 कप, एक अंडा डाल रही हूँ। ये देखो मैं कलर डाल रही हूँ, ये है तंदूरी कलर, ये 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ। ये देखो ये सब अच्छे से मिक्स करने का, ये पूरा मसाला, इसको मैं 2 घंटा रखूँगी मैरिनेट के लिए, इसको रात भर भी रख सकते। इसको 2 घंटे के बाद में मैं करूंगी फ्राई। अभी मैं इसको रखूंगी 2 घंटे के लिए। प्याज 600 ग्राम है और 1/2 kg टमाटर है और ये मिंट लीव्स है और ये धनिया है। और पहले आपको बताया था कि मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, और ये ग्रीन चिल्ली है। देखो मैं कांदा फ्राई कर रही हूँ, ये कांदा है 600 ग्राम, इसको अच्छे से हो जाएगा फ्राई तो मैं ये कांदा निकालूंगी। कांदा फ्राई हो गया, हम लोग अभी चावल के लिए पानी रखे, इसको गर्म होने के बाद हम लोग चावल डालेंगे जो हम लोग ने 1 घंटा पहले भिगा के रखे। देखो कांदा फ्राई हो गया, मैं निकाल रही हूँ। अभी देखो चिकन को हो गया 2 घंटा इसको मैरिनेट होके, ये देखो इसमें
बाउल में मैं ये डाल रही हूँ, जीरा है, सौंफ है, चक्री फूल, इलायची, दालचीनी, लौंग, ये है तेज़ पत्ता, ये पूरा मैं मसाला डाल रही हूँ। देखो मिर्ची भी डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम लोग कोथमीर पुदीना डाले इसमें। मैं नमक डाल रही हूँ, आपके टेस्ट के हिसाब से आप लोग डालो। आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल दीजिए, हम लोग ने 2 चम्मच नमक डाले। अभी मैं चिकन पलटी कर रही हूँ। देखो हो गया, फ्राई हो गया। ये देखो ये मसाला बचा है, मैं आप लोग को बताऊंगी, ये मैं डालूंगी बिरयानी में। देखो कितना अच्छे से हो गया फ्राई। देखो पानी कितना अच्छे से बॉईल हो गया। अभी मैं चावल डाल रही हूँ, इसको 1 घंटा हो गया भिगा के, बासमती राइस है। ये 1.25 किलो बासमती राइस। ये देखो नींबू का रस डाल रही हूँ, ये है 2 चम्मच। इसको 80% हम लोग कुक करेंगे इसको। ये तेज पत्ता है, दालचीनी, 2 लौंग, ये चक्री फूल, ये लौंग है, ये जीरा है, ये है साई जीरा, ये पूरा मैं डाल रही हूँ बाजार में। ये अदरक लहसुन है 2 चम्मच। चिकन तंदूरी बिरयानी का मसाला बना रही हूँ। ये देखो ये सब मसाला है। ये देखो गरम मसाला है 1 चम्मच, मिर्ची है 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ये धनिया है 1 चम्मच, 4 मिर्ची है, ये है कश्मीरी लाल मिर्ची, ये पूरा मसाला 1-1 चम्मच है। ये देखो टमाटर डाल रही हूँ। ये टमाटर सब अच्छे से गल जाना चाहिए, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी ये कैसा हुआ मसाला सब अच्छे से बना। ये कोथमीर थोड़ा डाल रही हूँ, ये थोड़ा पुदीना, मैं नमक डाल रही हूँ, आपके हिसाब से आप लोग डालना, मिर्ची भी आपके हिसाब से डालना, आपके टेस्ट के हिसाब से, कोई तेज खाता कोई तेज नहीं। हरी मिर्ची 4 डाली हूँ,
ये देखो चावल हो गया। हो गया ये कुक। ये देखो मसाला कितना अच्छा बन रहा है। ये देखो मैरिनेट का मसाला है। ये देखो ये डाल रही हूँ इसमें। ये कांदा मैंने फ्राई करी थी ना, वो कांदा मैं डाल रही हूँ, आधा ही डालूंगी। ये मसाला अच्छा पकना चाहिए। ये देखो मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा मसाला बना है। ये देखो मसाला बन गया है, मैं निकाल रही हूँ। चिकन तंदूरी का मसाला हमने सब अभी निकाल दिए। मैं जिसमें मसाला बनाई थी ना वही टॉप है, इसको मैं धो के ली, पूरा मसाला निकाली, इसको मैंने धो दी। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, बनने के बाद तो और भी खूबसूरत लगेगा। इसके पहले हम लोग ने एक फर्स्ट वीडियो डाले थे अपना यूट्यूब चैनल पे, वो सेम हम लोग ने बनाए थे, चिकन तंदूरी बिरयानी बनाए थे। मैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं तेल डाली हूँ, अभी मैं चावल डाल रही हूँ। मैं नीचे इसलिए डाली हूँ तेल, नीचे जलेगा नहीं चावल। देखो मैं मसाला डाल रही हूँ। देखो चिकन मसाला, अभी मैं चावल डाल रही हूँ। देखो कांदा डाल रही हूँ, तलेला कांदा। देखो पुदीना डाल रही हूँ, ये कोथिंबीर, मिर्ची डाल रही हूँ। ये पूरा मसाला डाल रही हूँ। अभी डाली पुदीना, ये कोथिंबीर, ये कांदा, मिर्ची चार डाल रही हूँ। एक गुलाब का पत्ता है, रोज वाटर डाल रही हूँ एक चम्मच। अभी हम लोग दम पे रख रहे हैं इसको,
इसको 5 मिनट हम लोग फास्ट फ्लेम पे दम करेंगे, उसके बाद में 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम में इसको दम करेंगे, इसके बाद में अपनी चिकन तंदूरी बिरयानी फाइनली रेडी हो जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। इसको ऐसा करना चाहिए, एकदम जल्दी से भाप आएगा इसमें और खाना भी अच्छा दम होएगा। बटर डाल रही हूँ मैं ऊपर से, ये देखो ऐसा गिल्ला करने से ऐसा वजन रख देने का। अब ये दम हो जाएगा तो मैं आप लोग को सब बताती हूँ खाना कैसा निकालती हूँ। देखो खाना दम हो गया, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, जबरदस्त बनी है चिकन तंदूरी बिरयानी। खुशबू एक ला खुशबू तो बहुत लाजवाब है, ऑसम लग रहा है, एक नंबर मस्त। बाद में टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी है, ठीक है। देखो कितना खूबसूरत बना है बिरयानी। बादाम डाल रही हूँ, खाने दे। चिकन तंदूरी बिरयानी का गार्निश हो चुका है, आप लोग को टेस्ट करके बताऊंगी बिरयानी कैसा बना। अभी हम लोग टेस्ट करके बता रहे बिरयानी कैसी बनी है, बता बिरयानी कैसी बनी है। ये है चिकन तंदूरी बिरयानी, एक मिनट किसी मेरे लिए, ठीक है। वाह वाह बहुत जबरदस्त बनी है, इतना जबरदस्त बनी, इतना सॉफ्ट, मजा आ गया। चिकन खिला दो, ये चिकन लेग पीस कैसा लगा? बहुत जबरदस्त, ऑसम ऑसम, बहुत ब्यूटीफुल बना है, बहुत लाजवाब, बहुत ऑसम, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एक नंबर बना। कैसा बना? बहुत जबरदस्त है ना, बहुत अच्छा मसाला, इतना अच्छा लगा है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा बना, मसाला इतना अच्छा गया है मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा बना है। आप लोग भी बनाना, प्लीज कमेंट बिलो कि चिकन तंदूरी बिरयानी कैसी बनी है। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।